कैंडिडेट नहीं है वो, डंडी टेक है। अच्छा जी। कैंडिडेट नहीं है वो, डंडी टेक है। अच्छा जी। एक बार थोड़ा सा साइड दे दो जी, हम निकलते चलते कर लेंगे बात। तो भाई आज हमारे साथ सोनीपत लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बडोली जी है, उनसे हम कुछ सवाल लेते हैं। तो बडोली जी देखो, पहले आप बोल रहे थे कि आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है विपक्ष से, तो सतपाल ब्रह्मचारी आपके सामने आ गए, उनके साथ अपने मुकाबले को कैसे देखते हो? कैंडिडेट नहीं है वो, डंडी टेक है। अच्छा जी। अच्छा जी, एक सवाल ये बनता है, आप पिछले 4 साल से राय विधानसभा के विधायक हो जी, और अब राय विधानसभा के लोग आपका किस लिए सहयोग करें? आपने ऐसे कौन से काम किए जो राय विधानसभा के लेकिन लोग आपके साथ पूरा समर्थन दें? पूरी विधानसभा में घूमिए। अच्छा, आप ऐसा कोई काम ढूंढिए जो काम ना होया हो, फिर मेरे को बताइए कि ये काम नहीं हुआ। सरकार ने 100% काम किए हैं, सबके किए हैं, सभी समाज के लोगों के किए हैं, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, गरीब कल्याण की योजनाएँ, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे काम किए। अच्छा जी, मान लीजिए आपको अगर सोनीपत लोकसभा की जनता आप पर विश्वास करती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सोनीपत के लिए?